किसने सोचा था कि बेन 10 जैसा धमाकेदार एनिमेशन सीरीज भी एक दिन बंद हो जाएगा? क्यों, आखिर क्यों बंद हो गया बेन 10? और क्या आपने भी कभी सोचा है कि रियल वर्ल्ड में हम ओमनीट्रिक्स को बना सकते हैं या नहीं? क्या यार, इसका तो सिंपल सा आंसर है, नहीं। ओमनीट्रिक्स बनाना बच्चों का खेल थोड़ी ना है। वेल हाँ, आप सही हो, लेकिन जब हम बच्चे थे तब एक बार ही सही, लेकिन मेले में या किसी टॉय शॉप पर बेन 10 की घड़ी खरीदने की जिद जरूर की होगी हमने। और शायद ही आपको मम्मी पापा ने वो वॉच आपको दिलाई हो। और यदि आपने अपने बचपन में बेन 10 की वॉच खरीदी है तो कमेंट करके जरूर बताना। वेल, इस वीडियो में आज हम बेन 10 के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वॉच इंट्रो and get started to know something exciting. बेन 10 एक अमेरिकन एनिमेशन सीरीज है जिसे लिखा है मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोस ने। एक्चुअली मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोस की खोज चार राइटर्स ने मिलकर सन 2000 में किया था, जिनके नाम है जो केली, जो केजी, डुकेन रोलियो, स्टीवन टी सीगल। यानी इन चारों ने मिलकर बेन 10 को लिखा था। यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बेन 10, जनरेटर रैक्स, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, द अवेंजर्स वर्ल्ड्स माइटीएस्ट हीरो, अवेंजर्स असेंबल, ये सब इन चार लोगों की ही देन है। एक चीज ये भी जान लो आप कि राइटर्स का काम सिर्फ लिखना होता है एंड उस लिखे हुए सीरीज को एनिमेशन में बनाने का काम किसी स्टूडियो द्वारा किया जाता है। एंड बेन 10 की बात करें तो इसे लिखा मैन ऑफ एक्शन के राइटर्स ने है एंड इसको एनिमेशन में बनाने का काम किया है कार्टून नेटवर्क स्टूडियोस ने। और जब एनिमेशन बन गया तब इस सीरीज को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया कार्टून नेटवर्क चैनल ने। बेन 10 का फर्स्ट सीरीज 2005 में टीवी पर एयर होना स्टार्ट हुआ। बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज का नाम सिर्फ बेन 10 ही था, जो 2005 से 2008 तक एयर किया गया, जिसमें टोटल 4 सीजन्स थे। उसके बाद सेकंड सीरीज आया जिसका नाम था बेन 10 एलियन फोर्स, जो 2008 से 2010 तक चला, जिसमें टोटल 3 सीजन्स थे। और उसके बाद थर्ड सीरीज आया जिसका नाम था बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो 2010 से 2012 तक चला और इसमें भी 3 सीजन्स थे। एंड मुझे पर्सनली बेन 10 एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन सबसे ज्यादा पसंद है। आपको बेन 10 का कौन सा सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है कॉमेंट करके जरूर बताना। वेल, तीसरे के बाद आया बेन 10 का फोर्थ सीरीज जिसका नाम था बेन 10 ओमनीवर्स, जो 2012 से 2014 तक एयर किया गया, जिसमें टोटल 8 सीजन थे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट सीरीज का नाम था बेन 10 रीबूट, जो 2016 में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। इन पांचों सीरीज के अलावा बेन 10 की कुछ लाइव एक्शन मूवीज भी आई, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: रेस अगेंस्ट टाइम 2007 में आई, एलियन स्वॉर्म 2009 में आई, डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस 2012 में आई, बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स द मूवी 2020। बेन 10 के बारे में कुछ भी जानने से पहले इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, बेन टेनिसन। बेन टेनिसन इस सीरीज की जान है एंड बेन टेनिसन का पूरा नाम बेंजामिन कर्बी टेनिसन है। अब एक फन फैक्ट सुनो, बेन 10 के हर एक नए सीरीज में बेन टेनिसन हमेशा फायर टाइप एलियन ही बनता है। जैसे फर्स्ट सीरीज में बेन हीट ब्लास्ट बना था सबसे पहले, एंड सेकंड सीरीज में बेन 10 स्वॉर्म फायर बना था, जो कि एक फायर टाइप एलियन है, एंड थर्ड सीरीज में बेन 10 अल्टीमेट स्वॉर्म फायर बना था। लेकिन इसके बाद ये चेन यहीं टूट गया और फोर्थ एंड फिफ्थ सीरीज में फायर टाइप एलियन की जगह वो और कोई सा एलियन बना था। एक्चुअली जब बेन 10 का कैरेक्टर तैयार किया जा रहा था तब बेन टेनिसन के बाल को रेड रखा जाने वाला था, रेड यू नो, जिसे बाद में ब्राउन रख दिया गया। आप सबको पता होगा कि बेन 10 का सबसे ताकतवर एलियन का नाम एलियन एक्स है, जहां एक्स का मतलब है रोमन नंबर वाला एक्स, यानी कि 10। एलियन एक्स के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि एलियन एक्स को इंग्लिश में वॉइस दिया है यूरी लोवेनथल ने। और रियल फैक्ट ये है कि यूरी लोवेनथल ने ही स्पाइडरमैन वीडियो गेम में अपनी आवाज स्पाइडरमैन को दी है।
नंबर टू, ग्वेन टेनिसन। ग्वेन का पूरा नाम है ग्वेंडोलिन कैथराइन टेनिसन। ग्वेन बेन की कजन के रूप में दिखाई गई है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में सोचा गया था कि ग्वेन बेन की स्कूल फ्रेंड होगी जो उसके साथ समर एडवेंचर्स पर जाएगी, पर बाद में इसे भी चेंज कर दिया गया और ग्वेन को बेन की कजन के रूप में दिखाया गया। नंबर थ्री, ग्रैंडपा मैक्स। इनका पूरा नाम मैजिस्टर मैक्सवेल टेनिसन है। ग्रैंडपा मैक्स एक प्लम्बर है, नहीं वो वाला प्लम्बर नहीं जो आप सोच रहे हो, नहीं नहीं, बल्कि बेंटन सीरीज के अंदर प्लम्बर कुछ चुनिंदा लोगों का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है दुनिया को अनजान खतरों से बचाना। एंड एक फन फैक्ट ये है कि ओमनीट्रिक्स को ग्रैंडपा मैक्स के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बेन 10 को सबसे पहले ओमनीट्रिक्स मिला और जैसे ही बेन को ओमनीट्रिक्स मिला वैसे ही ओमनीट्रिक्स बेन की कलाई पर अपने आप लग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स और बेन का डीएनए सेम था। आखिर बेन है भी तो ग्रैंडपा मैक्स का ग्रैंडसन, इसलिए दोनों के डीएनए मैच कर गए। नंबर फोर, केविन 11। केविन का पूरा नाम है केविन इथन 11। केविन 11 किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को एब्जॉर्व कर सकता है एंड पावरफुल बन सकता है, जो सच में गजब का पावर है। स्टार्टिंग में ये बंदा बेन टेनिसन के दुश्मन के रूप में दिखाया गया जो कि बाद में बेन का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। चार्म कैस्टर भी एक ऐसी ही बेन की दुश्मन थी जो बाद में उनकी फ्रेंड बन जाती है। डबिंग आर्टिस्ट। बेन टेनिसन को हिंदी में डब करने का काम एक बहुत ही मशहूर वॉइस एक्टर संकेत महत्रे ने किया है, और ये वही शख्स है जिन्होंने ज़्यादातर साउथ इंडियन मूवीज में अपनी आवाज़ फिल्म के मेन हीरोज को दी है, जिसमें अल्लू अर्जुन सबसे ऊपर है। हाँ दोस्त, अल्लू अर्जुन का हिंदी वाला जो आवाज़ है ना, वो संकेत मित्रा का है। इतना ही नहीं, डेडपूल की आवाज़, अल्टीमेट स्पाइडरमैन में थॉर की आवाज़, बीब्लीड मेटल फ्यूजन में गिंज का हगानी की आवाज़, नरूटो में ससुके उचिहा की आवाज़, ये सारी आवाज़ संकेत जी की ही है। पर कम से कम मैंने इसे इस्तेमाल करना तो सीख लिया, मुझे बस ये बटन दबाना है, फिर रिंग ऊपर आने पर उसे तब तक घुमाना है जब तक मुझे वो ना दिखे जो मुझे बनना है, फिर बटन दबाते ही मैजिक। ग्वेन टेनिसन को हिंदी में अपनी आवाज दी है परिगण्या पांड्या शाह ने। तो चलो अब ये भी जान लेते हैं कि इतना अमेजिंग एनिमेशन और गजब की स्टोरी होने के बावजूद बेन 10 बंद क्यों हो गया, व्हाट्स द रीजन। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अब आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि भविष्य में आने वाले सभी एक्साइटिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो भैया बेन 10 के बंद होने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के आर्ट डायरेक्शन की धजिया उड़ जाना। बेन 10 के पांचों सीरीज के बारे में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हुआ यूं कि बेन 10 की पहली सीरीज ने खूब पैसा कमाया, बोरी भर भर के पैसा कमाया, बाकी चारों सीरीज से भी ज्यादा पैसा छापा बेन 10 की पहली सीरीज ने। उसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स आया और इसने भी धूम मचा दिया। एलियन फोर्स ने भी खूब पैसा छापा, और क्यों ना छापता, आखिर इसका एनिमेशन था ही इतना जहर। स्टोरी से लेकर आर्ट डायरेक्शन तक सब कुछ गजब का था। आर्ट डायरेक्शन मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का डिजाइन और शो में दिखाया जाने वाला प्लेस, ये सब। एलियन फोर्स के बाद आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन, और ये भी सुपर्ब सीरीज था, इसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। अल्टीमेट एलियन के बाद आया बेन 10 ओमनीवर्स, बस सारी चीज़ें यहीं खराब हो गई। कार्टून नेटवर्क ने इस सीरीज़ को सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बनाया था, लेकिन ये सीरीज़ ही फ्लॉप निकली। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि स्टोरी तो ठीक ठाक था पर इस सीरीज का आर्ट डायरेक्शन बहुत खराब था। मतलब मुझे भी हंसी आती है यार, ये देखो पहले वाली ग्वेन और इस सीरीज वाली ग्वेन, कितना अंतर है, मतलब भाई क्या है ये। और केविन को देखो यार, इसके शक्ल की धजिया उड़ा दी है, इसको देखकर तो हंसी आती है। और ग्रैंडपा मैक्स को देखो, इसकी आंखें या गोटियां, एक बेन 10 से ही थोड़ा सही दिखता है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बेन 10 इस सीरीज की वजह से पूरा घाटे में चला गया। कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 के घाटे को रिकवर करने के लिए फिर एक नया सीरीज निकाला, बेन 10 रीबूट, जिसमें बेन को एक बच्चा बना दिया गया। और कार्टून नेटवर्क वालों ने इस
सीरीज को सबसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यही सीरीज सबसे ज्यादा फ्लॉप निकली और किसी को भी ये पसंद नहीं आया। मैं जब छोटा था ना, तब सोचता था कि डिज्नी चैनल डोरेमोन के लिए बना है, पोगो छोटा भीम के लिए, हंगामा शिनचैन के लिए और कार्टून नेटवर्क बेन 10 के लिए, लेकिन बाद में बेन 10 को ही हटा दिया यार चैनल से, और बाद में ऑगी, हड्डी मेरा बड्डी, हेनरी ये सब शो दिखाने लग गए वो। आई होप आपको हर एक चीज समझ आ गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा है, लेकिन आपको लाइक का बटन दबाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और एक सिंपल तरीका है कि भैया इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ अगली बार एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।